जेपी यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के लिए फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स के लिए राजभवन ने विश्वविद्यालय को दीक्षांत कराने के लिए भेजा डिम्ड डेट। जी हां, 28 जुलाई को होगा 7वां दीक्षांत समारोह। यह दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने 7वें दीक्षांत समारोह 28 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। कुलपति प्रो फारूक अली, जी हाँ दोस्तों, फारूक अली ने स्नातक व पीजी के सत्रों के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित कराने को लेकर राजभवन को पत्र लिखा था, जिसके बाद राज्यपाल के निर्देश पर 28 को दीक्षांत के लिए डिम्ड डेट स्वीकृत किया गया है। ठीक है, इस संदर्भ में पीआरओ प्रो हरिश्चंद्र ने बताया कि 7वें दीक्षांत समारोह में स्नातक सत्र 2020 के उत्तीर्ण छात्र छात्राएँ की डिग्री वितरण किया जाएगा। वहीं पीजी फोर्थ सेमेस्टर 17-19 के उत्तीर्ण छात्रों को भी उपाधि प्रदान की जाएगी। वहीं बीएड के अंतर्गत 17-19-21 फाइनल ईयर तथा 16-12-2020 से लेकर अब तक के पीएचडी उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री भी इस दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएगी। पीआरओ ने बताया कि दीक्षांत समारोह के सफल संचालन को लेकर जल्द ही एक कमेटी का गठन होगा। वहीं परीक्षा विभाग ने इस सत्र के टॉपर लिस्ट को भी तैयार कर लिया है। पीजी व स्नातक के टॉपरों को जल्द से जल्द वेबसाइट पर जारी करेगा। ठीक है, यह सबसे बड़ी बात है। वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर करें और सभी स्टूडेंट्स को शेयर करके बता दीजिए। ठीक है, 18, 20 और 19 के सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म 6 तारीख से शुरू होगा और 12 तारीख तक चलेगा। ठीक है, 18, 20 और 19 के छात्रों का परीक्षा फॉर्म। वहीं पर बात करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स का परीक्षा जो है जुलाई के करीब लगभग आप लोगों का जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, जेपीयू के अंगीभूत व संबंध, जी हाँ दोस्तों, कॉलेजों में सिर्फ 912 सीटें कॉमर्स में उपलब्ध है। वहीं पर कॉमर्स विषय में सीटें कम रहने से नामांकन को लेकर हो रही है महामारी। ठीक है, मारामारी भी हो रही है। हर साल नामांकन के लिए निर्धारित सीटें से दुगना आते हैं आवेदन, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्नातक 17-22-25 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत नामांकन को लेकर कई विषय में प्रतिष्ठा भी दिखाई दे रही है। जी हाँ, स्नातक में कॉमर्स में नामांकन के लिए सीटें कम होने से छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। विदित हो कि कॉमर्स में नामांकन के लिए हर साल निर्धारित सीट दुगुना आवेदन आते थे, हालांकि इस बार अब तक 2.5 गुना से भी अधिक आवेदन विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह आप बने रहिए हमारे चैनल पर, सभी इन्फॉर्मेशन इसी तरह प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको, और वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर न्यूज है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले इसी तरह आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय वंदे मातरम।